हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आर्यन बुटिक में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ये अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग। इतनी हमारी कोटी रहने वाली है, उसके बाद नीचे अम्ब्रेला और इसमें घेर रहेगा, जो अम्ब्रेला फ्रॉक बोलते हैं उसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में, आगे वीडियो में एंड तक रहना है, देखना है, तो आइए वीडियो में दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी कोटी है, ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारा अस्तर है। अब इसको हम ज्वाइंट करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं किस तरीके से बनाना है। ये तो हमने फ्रंट उठा लिया, एक पल्ला मटा लेते हैं बैक का, और एक ये निकाल लेते हैं। एक एक करके हम इसको सेट कर लेते हैं, अस्तर और फैब्रिक को ज्वाइंट करने के बाद तब हम दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, अस्तर और फैब्रिक को हम ज्वाइंट कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों, ये मेरा फ्रंट जॉइंट होके रेडी हो गया, अस्तर और फैब्रिक हमने जॉइंट कर लिया। अब एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको हम छांट देते हैं। फ्रंट जॉइंट हो गया, फ्रंट का पल्ला। हम बैक भी इस तरीके से जॉइंट कर लेते हैं, फिर आगे हम दिखाएंगे घेर किस तरीके से हम इसका रेडी। तो दोस्तों, ये सेम उसी तरीके से हमें जॉइंट करना है, तो हम इसको जॉइंट कर ले रहे हैं। सेम जो फ्रंट तैयार किया है, उसी तरीका से इसको भी फुल तैयार करने के बाद दिखाते हैं आपको घेर किस तरीके से। उसी तरीके से सेम आगे वाले पल्ले के तरीका से, ये हमारा देखो उस तरीके से जॉइंट हो गया है जैसे फ्रंट हमने तैयार किया था, उसी तरीके से। अब इसकी हम कर लेते हैं जो हम कोटी और बना रहे हैं। इसमें ये मेरी कोटी वाली फ्रॉक है, आगे फ्रंट पल्ले पर हमें कोटी वाले पल्ले जो है जॉइंट करने हैं, उसको रेडी कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं घेर किस तरीके से हम। तो ये हमारा दोस्तों, इस पर हम कोटी वाले पल्ले दोनों हैं वो जॉइंट करने वाले हैं सेम उस तरीके से, और फ्रंट पे हमें सेट करना है। तो दिखाते हैं किस तरीके से को ज्वाइंट करते हैं। इस पे सिलाई लगाने के बाद दोस्तों, हम इसको पलट देंगे, आप देखिए। बहुत खूबसूरत लुक आने वाला है दोस्तों इसका, वीडियो में एंड तक रहें। दोस्तों, अभी हम पलट चुके हैं एक पल्ला एक साइड का, तो इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं लग की। हम रेडी कर चुके हैं सेम इस तरीके से। ये दूसरा वाला पल्ला भी तैयार कर लेते हैं, तो दिखाते हैं इसको तैयार करने के बाद फिर कैसा मेरा लुक आ रहा है इसका। तो दोस्तों, ये हमारी कोटी उसमें अटैच होगी, ये दो पल्ले, और इसमें हम लगाते हैं ये स्टेप, इसमें हमारी डोरी फंस के नीचे लटक जाएगी, तो इससे लुक हमारा अच्छा आ जाएगा। तो ये इसमें दोनों बराबर कर लेते हैं, तीन तीन स्टेप लगा देते हैं, तीन पल्ले में। उस साइड हम लगा देंगे सेम इसी तरीके से, तो दिखाते हैं आगे कुछ। ये हमारी इस तरीके से हमने स्टेप पे लगा ली, अब इस पे लगा देते हैं हम लेस। लेस लगाने के बाद इसको कोटी पे अटैच, आगे एक फ्रंट पल्ले पे अटैच कर देंगे, उसके बाद मालूम पड़ता है, देखेंगे किस तरीके का हमारा ये कोटी सेट अच्छा लग रहा है, तो दिखाते हैं आगे। दोस्तों, ये लग रही है लैस हमारी,
इस पर। लगा लेते हैं, ठीक है। दोनों पल्लों पर रेडी हो चुकी है लेफ लग के कोटी वाले। अब इसको अटैच कर देते हैं फ्रंट में, उसके बाद दिखाते हैं हम आपको। अब देखना है दोस्तों हमारा कैसा लुक आ रहा है, हम इसको अटैच करने वाले हैं। तो दोस्तों कोटी हम बाद में अटैच कर लेंगे, पहले हम घेर अटैच कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो घेर का पल्ला एक हमने ये निकाल लिया अपना, आप देख सकते हैं एक हमने ये निकाल लिया, ठीक है। और एक अस्तर का निकाल लेते हैं, एक दोस्तों ये मैंने अस्तर का निकाल लिया। और साइड से जॉइंट नहीं करेंगे, जहां पे हमारी कोटी जॉइंट होगी वहीं पर अटैच कर ले रहे हैं इसको, बाकी का नहीं करेंगे क्योंकि हमें गियर और अस्तर दोनों का अलग रखना है। ये हमारा अटैच हो गया, अब इसको जॉइंट कर देते हैं कोटी में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी कोटी है और इसको जॉइंट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा फैब्रिक है और ये मेरा फैब्रिक है, तो इस तरीके से इसको रखेंगे, फैब्रिक फैब्रिक अंदर और अस्तर अस्तर बाहर कर देंगे और सेंटर से सेंटर मिला लेंगे दोनों साइड का बराबर। दोस्तों इसमें सिलाई लगा देते हैं, ये हमारी दोस्तों अम्ब्रेला फ्रॉक है कोटी वाली, इसमें स्टिचिंग कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा एक पल्ला रेडी हो गया फ्रंट का, इस पर हमें कोटी अटैच करनी है, तो दिखा देते हैं कोटी अटैच करके अभी आपको। कर दे रहे हैं दोस्तों, ये मेरा एक साइड का पल्ला जॉइंट हो गया कोटी का। अब एक और इस तरीके से ये कर देंगे इस साइड से, तब देखते हैं फाइनली दोस्तों लुक इसका कैसा आता है इसे अटैच करने के बाद। और इसमें हम डोरी लगाएंगे लटकने वाली, ठीक है दोस्तों। पल्ले को भी दोस्तों हम उसी तरीके से अटैच कर ले रहे हैं, उस साइड का जैसे अटैच किया था। ये मेरा अटैच हो गया, दोनों साइड के पल्ले मेरे अटैच हो गए कोटी के। तो आप देख सकते हैं ये बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, अभी तो अधूरा है, जब पूरी फ्रॉक रेडी हो जाएगी तब यहाँ पे डोरी लटक जाएगी और एक घेर में रहेगी काफी घेर। दोस्तों ये हमारा बैक का घेर वाला पल्ला है कोटी से नीचे का, तो सेम जैसे फ्रंट हमने रेडी किया था उसी तरीके से उसको भी रेडी कर लेते हैं, अब दिखाते हैं आगे आपको। तो ये पीछे का अटैच कर रहे हैं, ये हमारी कोटी रखी है आगे की पीछे की, और इस पर भी इसको घेर को अटैच कर देते हैं जैसे फ्रंट तैयार किया था सेम उसी तरीके से। दोस्तों इसको भी रेडी करेंगे, सेम वही प्रक्रिया अपनानी है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है इसमें। अब इसको ज्वाइंट कर लेते हैं तब दिखाते हैं आपको क्या लुक आ रहा है इसका। तो दोस्तों ये बची हुई लेफ हमने गले पे भी लगा दी इसके, अब तो अच्छा लगने वाला है, कोटी पे भी आ जाएगी और उसके गले पे भी आ गई तो उसका कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा फ्रंट पे दोस्तों। अब दोस्तों फ्रंट और बैक दोनों को जॉइंट कर देते हैं हम इसको, ये फ्रंट और बैक की हम कंधी दोनों की जॉइंट कर रहे हैं।
ऑफ स्टडी का एफ है, ये वाली भी कर दे रहे हैं, दोनों कंधे एक जैसी करनी है। तो दोस्तों इसकी बैक और फ्रंट की हम फिटिंग लगा देते हैं। तो दोस्तों अब ये हम दोनों पल्ले जॉइंट कर दे रहे हैं और फिटिंग लगा दे रहे हैं। हम अपने क्रॉस को जॉइंट कर दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अस्तर है, दोनों पल्ले अस्तर के हम साइड से कर लेते हैं, ये अंदर कर देंगे, ये हम अपना जो फैब्रिक अंदर कर देंगे और अस्तर हम बाहर रखेंगे, अस्तर पे सिलाई लगा देंगे, इसको हम इस पर हम बाद में सिलाई लगाएंगे। ये हमारा जो घेर है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम अंदर कर दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा कपड़ा हल्का बहुत है तो फर्क रहा है इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारा अस्तर जॉइंट हो गया, ये हमारा फैब्रिक है जो जॉइंट नहीं है, अब इसको जॉइंट कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग जॉइंट करते हैं, इससे हमारा घेर सही निकलता है फ्रॉक में। एक फाइव जॉइंट करने पे घेर अच्छा नहीं निकलेगा, तो आप देख सकते हैं हमने अलग अलग जॉइंट किया है, दोनों पल्ले हम अलग अलग जॉइंट कर दे रहे हैं। हम उसी तरीके से इस पर सिलाई लगा लेते हैं दोस्तों। यहां से दोस्तों अब इसका भी वही कंडीशन करना है, हमें फैब्रिक अंदर करना है और अस्तर थोड़ा बाहर करके और सिलाई लगा देनी है। ये हमने फैब्रिक अंदर कर दिया और अस्तर को बाहर कर लिया। अब दोस्तों इस तरीके से इसको भी हम फैब्रिक पे सिलाई लगा देते हैं अंदर से, अस्तर अलग करने के बाद। तो दोस्तों इतना ही हमारा घेर और फ्रॉक बनके रेडी हो गई है, अब इसमें लगानी है हमें काली फ्लिप और बाकी बात फ्रॉक हमारी रेडी होगी, उसमें हम करवाएंगे नीचे पी को, तो बहुत ही सुंदर लुक आने वाला आप देख सकते हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक हमारी कोटी वाली रेडी हो गई, उसमें हमें यहाँ पे बटन लगाने हैं फोकाजे और इसमें डोरी लटका देंगे, बहुत ही मस्त पीस लगेगा ये जब फुल रेडी हो जाएगा। इसकी जब फुल रेडी हो जाएगी तो हम इसकी आपकी आपको ना वीडियो में दिखाएंगे या पिक डालेंगे इसकी, ठीक है। वीडियो वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक या कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आने वाली वीडियो का आपके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहेगी। तो अब हम इसकी फ्लिप्स लगा के दिखाते हैं आगे कैसा लुक आने वाला है। तो दोस्तों फाइनली मेरी ये फ्रॉक का लुक ये आ चुका है, फ्लिप्स भी ये में लग गई है, ये वाली होली फ्लिप्स है ये आप देख सकते हैं इसमें, और ये हमारे लुक आ चुका है फैम ऐसी रहेगी। अब खाली इसमें हमें डोरी लगानी है और ये बटन लगाना है और मेरा पूरी फ्रॉक बनके रेडी हो गई है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।